हेलो नमस्कार, बृहद मार्चर में आपका स्वागत। मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षकों ने सरकार के सामने अपनी चार मांगे रखी हैं और बोला गया कि जल्द से जल्द इनके नियमितीकरण की घोषणा की जाए। और मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक मंत्रियों से और विधायकों से सांसदों से मिल रहे और ज्ञापन सौंप रहे, उनके सामने अपनी मांग रख रहे हैं अतिथि शिक्षक। पूरे हमारी मांगें सरकार तक पहुंचाई जाए और हम लोगों का नियमितीकरण करवाया जाए, जिसके संबंध में पूरी विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूँ और एक वीडियो भी दिखाने वाला हूँ जिसमें सांसद हैं, विधायक हैं, अतिथि शिक्षक अपनी बात रखते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें उसी अपडेट पाने के लिए। अतिथि शिक्षक भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि इनका नियमितीकरण हो जाए, इनका भविष्य सुरक्षित हो जाए या इनकी विभागीय परीक्षा लेकर इनका नियमितीकरण किया जाए। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा जरूर देखें। क्या कहना है अतिथि शिक्षकों का, विधायकों का, सांसदों का, मंत्रियों का, वीडियो में बने रहे। पिछले 4 से 5 महीनों से इनको वेतन नहीं मिल रहा है, किसी के पास किराया नहीं है। हमारे एक शिक्षक है, आदि शिक्षक, उन्होंने अपनी बाइक तक बेच दी है। हमारे हमारे जो भी पदाधिकारी महोदय, उनसे निवेदन है कि आपके द्वारा इस दिशा में यदि कुछ कार्य होता है तो बहुत जवाबदारी शासन प्रशासन। जय श्री राम, भारत माता की जय।